अब आपको योगी राज में एक चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर चालान काटने पर हुए विवाद पर पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त झड़प की है। सबसे पहले ये पूरी तस्वीर देखिए। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है। कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं शिकायत, सबको है, सभी लोग ऊपर हैं, ये तो इसीलिए आप सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आप धरना देख रहे हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमला के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे। आरोप है कि एक बीजेपी नेता चालान कटने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गया और पुलिस से हाथापाई की, जिसके बाद महिला पुलिस अफसर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर क्लास ली। लेकिन इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी है, मनमानी के आरोप पुलिस पर भी हैं। आपको दिखाते हैं कि पुलिस अफसर कैसे कार्यकर्ताओं को धक्का दे रही हैं और धमका रही हैं कि पुलिस जब चाहे किसी को भी पीट सकती है। पहले यह पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, फिर आपको पूरी खबर बताते हैं। आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के लिए। जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं, मैं कह तो रही हूँ नहीं। चालान काटिए ना मैडम। मैडम सुनिए, चालान काटिए ना, हाथ कैसे उठा उठा सकती है? रिकॉर्डिंग अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं, फिर आज से नहीं कहता मैं, गलत किया है। बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच हुई इस जबरदस्त झड़प की पूरी तस्वीर और पूरा वाक्य क्या है, एक बार फिर से आप देखिए। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा यहाँ कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है। कोई नहीं मांगता, सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं शिकायत, सबको है, सभी लोग ऊपर हैं, ये तो इसीलिए आप सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आप धरना देख रहे हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमला के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है, ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे। MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के लिए। जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं, मैं कह तो रही हूँ चालान काटिए ना मैडम। मैडम सुनिए, चालान काटिए ना, हाथ कैसे उठा सकती है? क्या अधिकार है पुलिस, क्या अधिकार है पुलिस का? अधिकार क्या? 300 लोगों का अपराधी है, मर्डर किया है क्या उसने? मर्डर किया है क्या उसने? 300 लोगों का अपराधी है क्या? मर्डर किया है क्या उसने? हाथ कैसे उठा दिया मैडम? 15 थप्पड़ मारे हैं, केवल इतना सा मामला, उसने चाबी मांग ली। मैं था, दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ रिकॉर्डिंग अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं, तो कहीं फिर आज से नहीं कहता मैं, कहीं भी जाओ, गलत किया है, कहीं भी जाओ। दरअसल कल बुलंदशहर में पुलिस ने बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के पति प्रमोद लोधी का ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटा। आरोप है कि पहले तो लोधी ने खुद ही बीजेपी से जुड़ा बताकर रौब झाड़ना चाहा, फिर बात गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने बाइक सीज कर प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।